हेलो गाइस, वेलकम टू इन माय ब्लॉग। तो आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ऑस्टन मशरूम खेती के बारे में। और आज हम आए हैं अपने जो गांव में हमारे भाई हैं जो रहते हैं यहाँ पे, इन्होंने चेक की है करके खेती है। सो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। गाइस, हम आ चुके हैं ऑस्टन मशरूम की खेती के बारे में जानकारी लेने यहाँ पे। ये भाई ने यहाँ पे की है, आप देख सकते हो, इन्होंने पहली बार ये ट्राई किया है, तो हम उनको बुलाना चाहते हैं। आइए भाई, प्लीज आके बताइए प्लीज के बारे में, ये कैसे लगाई जाती है। ये सर्दियों के मौसम में लगाई जाती है और ये अगर चाहें तो बहुत अच्छी खेती है। अच्छी किस्म की मशरूम होती है और ये देख सकते हैं आप, मशरूम लगी हुई है इस हाँ बैग में। जी, और आपको अभी और दिखाते हैं, ये देखिए, ये इसमें निकल रही है मशरूम। हाँ ठीक है देखिए, इसमें काफी फंगस का डर बहुत रहता है। भाइयों, ये कितने तरह की आती है ये मशरूम? अच्छा, ये मशरूम कईयों प्रकार की होती है, ये इसे बोलते हैं अपन ऑयस्टर मशरूम। हाँ, इसे लोग यहाँ अपने क्षेत्र में कम जानते हैं और इसकी मार्केटिंग में बहुत ज्यादा परेशानियां आती हैं। अगर इसकी मार्केटिंग अगर अपन अच्छे ढंग से कर सकेंगे तो इस जैसा लाभ अपन को कहीं नहीं मिल सकता। ठीक है, बिल्कुल भाई, आपने अच्छी जानकारी दी है। इसकी मार्केटिंग अच्छी नहीं है, इसका मतलब इतनी ज्यादा मार्केटिंग है नहीं। अच्छा, इसकी मार्केटिंग वैल्यू नहीं है अपने क्षेत्र में। हाँ, देखिए भाइयों, भाइयों इसमें वायरस बहुत ज्यादा लगती हैं। इसमें फंगस का डर बहुत सताता है, जैसे कि हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये इसमें फंगस बैठ गया है, ये खराब हो चुका है, ये सूख रही है। इसमें टाइम से देखिए इसमें हवा नहीं मिल पाई है, इसमें पानी नहीं मिल पाया है, भाइयों, तो देख लीजिए आप, बोलिए। इसलिए इसमें ये फंगस बैठ गया है। इनका कहना है भाइयों कि इसमें फंगस की बहुत ज्यादा शिकायत रहती है। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो कि अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है अगर आपके यहाँ मार्केटिंग इसकी अच्छी है तो। इसमें कोई ज्यादा लागत नहीं आती है भाइयों। अगर आप इसको ताजी बेचना चाहें तो ताजी बेच सकते हैं, 100 रुपए के भाव से लेके 200 रुपए के भाव तक बिकती है, लेकिन अपने यहाँ मार्केटिंग नहीं है। उसके बाद अगर आप इसकी मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं तो आप इसे सुखा लीजिए। सूखने के बाद ये 300 रुपए किलो से 1000 रुपए किलो तक जाती है, लेकिन आपको इसकी मार्केटिंग मिलनी चाहिए। भाई प्लीज हमें बताने की कृपा करें कि ये कैसी जगह पे लगाई जाती है। ये अपन रूम में भी लगा सकते हैं, टीन सेट लगा के उसमें भी लगा सकते हैं, झोपड़ी लगा के भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है अपन को। टेम्परेचर बराबर, जैसे ही आप जितनी अच्छी प्रकार से अपन टेम्परेचर मेंटेन कर सकेंगे उतनी ही अच्छी अपन को ये पैदावार देगी। हाँ जी, हाँ ये ज्यादातर अगर अपन इसमें क्या नाम है उसका एसी अगर लगा के करेंगे 12 मास, अच्छा, तो एसी में बहुत मतलब गर्मी अच्छा, के दिनों में भी लग सकती है। गर्मी के भी दिनों में भी लग सकती है, लेकिन उसमें आपको एसी का प्रयोग करना पड़ेगा। बहुत अच्छी पैदावार है इसकी, बहुत ही अच्छी पैदावार है इसकी। ये देखिए आप, ये देखिए, ये निकल रही है मशरूम। बहुत अच्छी भैया लग रही है ये इसमें। देखिए, ये 3 बार निकलती है। एक बार निकलेगी, 20 दिन के अंदर निकलने लगेगी, अच्छा 20 से 25 दिन बाद फिर निकलेगी, अच्छा 25 से 32। भाइयों, इसका साइज मतलब अपने आप बढ़ता इसका जाता है। साइज पर डे बढ़ता रहेगा। आपको इसमें क्या केवल आपको कोई दवा वगैरह डालना पड़ती कोई है? दवा नहीं डालनी पड़ती, सिर्फ पानी का स्प्रे करना पड़ता है और कोई दवा नहीं डालनी पड़ती, अपने आप बढ़ती है। और बढ़ने के बाद अपन इसको तोड़ के अपन बाजार में मार्केटिंग, अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं इसकी। अच्छा, जी, आई होप भाइयों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड आपने देख लिया है, ये खेती बहुत अच्छी है इस